जितने भी हमारे प्रेशर बेस्ड फ्लो एलिमेंट है उनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आरिफाइज प्लेट है दिस इज सिंपली अ मेटल प्लेट विद अ होल इन मिडल फॉर फ्ल्यू टू फ्लो थ्रू यह सिंपली एक मेटल की प्लेट होती है जिसके दरम्यान में सरा होता है ताकि इसमें से फ्लो गुजर सके आरिफाइज प्लेट आर टिपिकली सैंडविच बिटवीन टू फ्लैंज ऑफ अ पाइप जॉइंट अलाउंग फॉर ईजीली इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल आरिफाइज प्लेट को दो फ्लैंज के दरियान लगाया जाता है ताकि इसको आसानी के साथ इंस्टॉल और रिमूव किया जा सके द मटीरियल ऑफ आरिफाइज प्लेट स्टेनलेस स्टील मोनल निकल और प्लास्टिक डिपेंड ऑन प्रोसेस आरिफाइज प्लेट का जो मटीरियल होता है वो स्टेनलेस स्टील निकल मोनल या प्लास्टिक वगैरह होता है जो कि प्रोसेस पर डिपेंड करता है फिकोज अ सिंपल डायाग्राम ऑफ को सेंट्रिक आरिफाइज प्लेट ये डायाग्राम के अंदर आप आरिफाइज प्लेट को देख सकते हैं आरफाइज प्लेट बिटवीन टू फ्लाइंस ये हमारे पास फ्लैंज हैं ये आरिफाइज प्लेट है और ये गैसकिट है टाइप्स ऑफ आरीफाइज प्लेट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरिफाइज प्लेट कॉन्सेंट्रिक आरिफाइज प्लेट ई सेंट्रिक आरिफाइज प्लेट एंड सेगमेंटल आरीफाइज प्लेट सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेंट्रिक आरीफाइज प्लेट कॉन्सेंट्रिक आरिफाइज प्लेट आर मोस्टली यूज इन इंडस्ट्रीज़ कॉन्सेंट्रिक आरिफाइज प्लेट को इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है द सर्विस ऑफ कोसेंट्रिक आरफेज प्लेट इज क्लीन वाटर स्टीम और अदर क्लीन प्रोसेस जो कॉन्सेंट्रिक आरिफेज प्लेट की सर्विस होती है वो साफ पानी स्टीम या कोई साफ प्रोसेस होता है कोसेंट्रिक आरिफेज प्लेट आर अवेलेबल इन टू शेप स्केर एच कोसेंट्रिक आरिफेस प्लेट स्केयर एच कोसेंट्रिक आरिफेज प्लेट विद डाउन बेबल सबसे पहले हम देखते हैं कोसेंट्रिक आरिफेज प्लेट लुक एट अड व्यू ऑफ स्केर एच कोसेंट्रिक आरिफेज प्लेट है डिग्री कॉर्नर एट द होल आरिफाइज प्लेट के साइड व्यू को आप देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास होल है इसके शार पैजस होते हैं जिनका एंगल 90 डिग्री होता है स्केर एजारीफाइज प्लेट में इंस्टॉल इन इधर डायरेक्शन स्केयर एज आफ प्लेट को किसी भी डायरेक्शन में लगाया जा सकता है दिस अलाउ स्केरिफाइज प्लेट टू यूज फॉर मजरिंग बाई डायरेक्शनल फ्लोर वेयर द फ्लूड फ्लोर डायरेक्शन रिवर्स इट सेल्फ फ्राम टाइम टू टाइम स्केर एजारीफाज प्लेट को बाई डायरेक्शनल फ्लोर एड मजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर फ्लो की डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है इसके बाद हमारे पास है स्केर एज स्केर एच कोड विद डाउन बेबल द पर्पज़ ऑफ एज एच कोसेंटिकारीफाइज प्लेड विद डाउन बेबल इज मिनिमाइज कॉन्टेक्ट विद फास्ट मूविंग फ्लूड स्ट्रीम गोइंग थ्रू द होल स्केयर एज को सेंटिकारीफाइज प्लेड विद डाउन बेबल का जो पर्पज़ है वो मिनिमम कॉन्टैक्ट करना है फास्ट मूविंग फ्लूड के साथ जो कि सुराह में से गुजर रहा है ये हमारे पास डाउन बेबल है आइडली दिस एज विल बी नाइफ शार्प द एंगल ऑफ़ बल इज़ फोर्टी फाइव डिग्री और जो बैबल का एंगल होता है वो फोर्टी फाइव डिग्री होता है और ये हमारे पास शार्प एजिस हैं लुकिंग एट दाइड व्यू ऑफ दिस सारीफाइज प्लेट द इंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज़ लेफ्टू राइट अगर हम साइड व्यू को देखें तो जो फ्लो की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट से राइट right की तरफ होगी विद द शार्प एज फेसिंग द फास्ट इन कमिंग फ्ल्यूट स्ट्रीम एंड द बेबल प्रोवाइडिंग नॉन कॉन्टेक्ट आउटलेट फॉर द फ्लूड जो शार्प पेजि होंगे वो फ्लूड की इनलेट बनेगी और डाउन बेबल फ्लूड की आउटलेट बनेगी दूसरे नंबर में हमारे पास है सेंट्रिक आरिफाइज प्लेट दिस प्लेट आर यूज वेयर गैस बबल और सॉलिड पार्टिकल मेंिक्विड और गैस फ्लो इस सारीफाइज प्लेट को तब इस्तेमाल किया जाता है जब लिक्विड फ्लो या गैस फ्लो के अंदर सॉलिड पार्टिकल या गैस बबल्स पाए जाएँ इन दिस आरिफाइज प्लेट द होल इज ऑफ लोकेटेड टू अलो द अन डिज़ाइर्ड पोर्शन ऑफ फ्लूड टू पास थ्रू द आरीफाइज रैदर देन बिल्ड अप ऑन द अप स्ट्रीम फेस इस आरिफाइज प्लेट का जो होल होता है वो सेंटर से हट के होता है जो कि फ्लूड के अंदर पाए जाने वाले अन डिज़ाइर्ड पोर्शन को गुजरने देता है नहीं तो वो फ्लूड की अप स्ट्रीम साइड पर जमा हो जाएँ व्यूवर्स अप स्ट्रीम साइड वो वाली साइड होती है जहाँ पर हमारे फ्लो की इनलेट होती है और डाउन स्ट्रीम साइड वो वाली साइड होती है जहाँ से हमारे फ़्लो की आउटलेट होती है यह आप देख सकते हैं ये इस सेंट्रिक आरीफाइज प्लेट का जो होल है वो ऑफ सेंटर है फॉर गैस वेबल द होल शुड ऑफ सेट डाउन सो एनी लिक्विड ड्रॉपलेट और सॉलिड पार्टिकल में इजीली पास थ्रू जब हमारे पास गैस का फ्लो होगा तो आरिफाइज प्लेट का जो होल होगा वो नीचे की तरफ होगा ताकि गैस के अंदर मौजूद लिक्विड ड्रॉपलेट और सॉलिड पार्टिकल्स आसानी के साथ गुजर सके फा लिक्विड फ़्लो द होल शुड बी ऑफ सेट अप वाट टू अलो गैस बबल टू पास थ्रू एंड ऑफ सेट डाउन वाट टू अलो हैवी सॉलिड्स टू पास थ्रू जब लिक्विड का फ्लो होगा तो जो होल होगा वो ऊपर की तरफ होगा ताकि उसमें से आसानी के साथ गैस बबल गुजर सकें और नीचे की तरफ होगा ताकि आसानी के साथ उसमें से हैवी सॉलिड पार्टिकल्स गुजर सकें तीसरे नंबर पे हमारे पास से है सेगमेंटल आरफेस प्लेट द सेकेंड ऑफ सेंटर आरिफेस प्लेट टाइप इज कॉल्ड द सेगमेंटल आरिफेज प्लेट वेयर द होल इज नॉट सेंटर बट रैदर देन अ सेगमेंट ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल ये डायाग्राम के अंदर आप सेगमेंटल आरफेज प्लेट को देख सकते हैं इसका भी जो होल होता है वो सेंटर से हट के होता है लेकिन यह सर्कुलर नहीं होता बल्कि सेगमेंट शक्ल का होता है ये हमारे पास सेगमेंटल होल है एज विद देंट्रिक आरफेस प्लेट डिजाइन द सेगमेंटल होल शुड बी ऑफ्स एड डाउनवर्ड इन गैस फ्लो एप्लीकेशन एंड अप वर्ड और डाउनवर्ड इन लिक्व फ़्लो एप्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन दाइप ऑफ अन डिज़ाइड मटीरियल इन फ्लो स्ट्रीम इसेंट्रिक आरीफाइस प्लेट के डिज़ाइन की तरह जो सेगमेंटल का होल होता है वो ऊपर की तरफ होता है गैस फ्लो एप्लीकेशन के लिए और नीचे या ऊपर की तरफ होता है लिक्वड फ्लो एप्लीकेशन के लिए जो कि फ्लो स्ट्रीम के अंदर मौजूद अन डिज़ाइर्ड मटीरियल पर डिपेंड करता है अदर टाइप्स नॉन स्केयर एज आरिफाइज प्लेट टू कामन नॉन्केर एच आरीफाइस प्लेट डिजाइंड आर क्वाड्रेंट एज एंड कॉनिकल इसेंट्रिक आरिफाइस आरिफाइज प्लेट की मजदीद टाइप्स में हमारे पास क्वाड्रेंट एज एंड कॉनिकल आरिफाइज प्लेट है डाग्राम के अंदर आप क्वाड्रेंट एच आरिफाइज प्लेट को देख सकते हैं इसमें जो बेवल है वह अप स्ट्रीम साइड पर है और शार्प एच वो डाउन स्ट्रीम साइड पर है नेक्स्ट हमारे पास है कॉनिकल आरिफाइज प्लेट द कॉनिकल आरिफाइज प्लेट लुक लाइक अबल्ड स्केर एच आरिफाइज प्लेट इंस्टाल्ड बैकवर्ड विद फ्लो entering द conical साइड एंड exiting द square edge साइड ये डायग्राम के अंदर आप कॉनिकल आरिफाइस प्लेट को देख सकते हैं कॉनिकल आरीफाइस प्लेट बेवल्ड स्केयर एज आरिफाइज प्लेट की तरह होती है इस पर जो हमारे पास फ्लो की इनलेट साइड होती है वो कॉनिकल साइड होती है और जो एग्जिस्टिंग साइड होती है वो स्केयर एज साइड होती है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू द पैडल टैक्स लेबल ये हमारे पास स्के रेज को आरिफाइस प्लेट है जिसमें यह हमारे पास पैडल है दिस इज़ ओनली शोर इंडिकेशन ऑफ विच डायरेक्शन एंड आरफाइज प्लेट नीड टू इंस्टॉल आरफाइज प्लेट के ऊपर जो पैडल होता है वो इस चीज़ की इंडिकेशन बताता है कि आरफ एस प्लेट को किस डायरेक्शन के अंदर इंस्टॉल करना है वन कैन ईजिली इमेजन एन इंस्ट्रोमेंट टेक्नीशन मिस्टेकिंग अ कोनिकल इसेंट्रिक आरिफाइज प्लेट फॉर अस्केर एज बेवल्ड आरफाइज प्लेट एंड इंस्टॉलिंग इट बैकवर्ड कॉनिकल इसेंट्रिक आरिफाइज प्लेट को इंस्टॉल करते हुए इंस्ट्रोमेंट टेक्नीशियन ईजिली मिस्टेक कर जाता है कि कॉनिकल आरिफाइज प्लेट को स्केयर एज बेबल्ड आरिफाइज प्लेट की तरह इंस्टॉल कर देता है जो कि रॉन्ग इंस्टॉलेशन होती है ये हमारे पास अप स्ट्रीम साइड पर शार्प एजिस है और ये डाउन स्ट्रीम साइड पर डाउन बेवल है जबकि कॉनिकल इस्ट्रिक आरिफाइज प्लेट के अंदर हमारे पास अप स्ट्रीम साइड पर बेवल होती है और डाउन स्ट्रीम साइड पर शार्प एजिस होते हैं इसीलिए जब भी हम आरिफाइज प्लेट की इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम पैडल के ऊपर मौजूद टैक्स लेबल को देखते हुए आरिफाइज प्लेट की इंस्टॉलेशन करते हैं व्यूवर्स यह था आज का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ आरिफाइज प्लेट वीना कॉन्ट्रैक्टर इन आरीफाइज प्लेट बीटा रेशो इन आरिफाइज प्लेट टैपिंग पॉइंट्स फॉर आरिफाइज प्लेट थैंक्स फॉर वॉचिंग